हो सकती है कि आपका ना कट जाए टिकट। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि आप जो बावरिया साहब का बयान है उसको क्यों खारिज कर रहे हैं, या अगर उन्होंने आज ये बात कही है तो इसकी जरूरत क्या अनपड़ी। मैं तो खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास इतने सारे आवेदक थे, किसी और के आवेदन की जरूरत ही क्या है, इसका जवाब दे दीजिए। अतुल जी, कांग्रेस के पास आवेदक भी हैं और कांग्रेस के पास 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सक्षम उम्मीदवार भी हैं, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। ये बात क्या बावरिया साहब को नहीं पता है? आपके सामने सूची आएगी। आपके प्रभारी को नहीं पता है क्या ये बात? जब आपको पता है तो क्या आपके प्रभारी को नहीं पता है? रोड़ साहब, ये बात अगर सुरेश रोड़ को पता है जो मुझे समझा रहे हैं, तो क्या आपके प्रभारी को नहीं पता है? सक्षम है, चर्चा हर तरीके की होती है। अरे भाई सक्षम है, मैंने कहा आप 90 नहीं, आप 290 पर जाकर लड़ जाइए, 200 सीटें बढ़वा लीजिए हरियाणा में। मैं कह रहा हूं कि आज ये बयान क्यों आया, मैं तो इस पर चर्चा कर रहा हूँ ना। प्रभारी होने के नाते प्रदेश कांग्रेस से जानना चाह, ये चर्चा की राहुल गांधी जी ने भी की, क्या हमें बीजेपी को वोट डिवाइड होने का फायदा तो नहीं हो रहा है, हमें क्या समझौते की जरूरत है, ठीक है, ठीक है, ये बात पूछिए। अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, आपके प्रभारी कुछ और कह रहे हैं, आपके पार्टी के शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, उनको आज इस बात का इल्म हुआ, जो बात कांग्रेस प्रदेश की लगातार कह रही है कई महीनों से, वो जानकारी पहुंचने में राहुल गांधी तक इतना विलंब हो गया, ये मेरी दिक्कत है, ये विदु रावल की, पंजेटा साहब की, या जेजेपी की प्रवक्ता की दिक्कत है? गजब की बात, हेल्दी डिस्कशन का मतलब क्या होता है? नहीं, हेल्दी डिस्कशन का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपकी सूची आने वाली है उस दिन हेल्दी डिस्कशन करने निकले हैं विदु रावल? कोई जवाब है क्या इनके 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 इन सवालों का? कोई जवाब है जो ये खुद सवाल अपनी पार्टी पर खड़े कर दे रहे हैं? प्रभारी इनके बयान देते हैं, नेता इनके बयान दे के गए हैं। अगर राहुल गांधी को आज ये एहसास हुआ है कि हमें गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज जब खुद सुरेश रोड़ कह रहे हैं कि आज रात तक हो सकता है कि पहली सूची 50 लोगों की आ भी जाए, उस दिन पता चला? देखिए जवाब नहीं है, तभी तो वो जो है जो सवाल पूछ रहे हैं उन पर सीधा हमला कर रहे हैं और घृणित हमला कर रहे हैं। ये जो शूट था मैसेंजर एंड नॉट था मैसेज वाला जो फिनोमेना है, ये राहुल गांधी से शुरू होता है। राहुल गांधी भी जो सामने जो सवाल पूछता है उनसे उनकी एफिलिएशंस पूछते हैं, उनसे उनकी जाति पूछते हैं, उनसे कहते हैं आप ऐसे लिख कर आए हैं, जो भी सवाल पूछ ले, यानी सवाल पर ध्यान नहीं। अच्छा मान लो कोई पैसे लेकर भी अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो सवाल का उत्तर देना में क्या समस्या है? सवाल मतलब जो मीठा मीठा सवाल पूछेगा वही निष्पक्ष है। ये जो दरबारी मीडिया का इन्होंने एक आज तक बात होनी है, बात ये सवाल को गुमराह करके सेरेमोनियसली ये एंकर आपको कांग्रेस वालों को ज्यादा लोंग रोप देते हैं, इसलिए आपकी जबान बोलिए बोलिए विदु रावल बोलिए। मैं अगर एंकर होता तो आई वुड हैव किक्ड यू आउट। फिर हो गया आप लोग आपने मेरे सवाल पर भी आरोप लगा दिया था, आपके पास प्रमाण है क्या? नहीं, मैंने बीजेपी या जेजेपी से या इनेलो से या कांग्रेस से कुछ लिया है? आपके पास प्रमाण है? है प्रमाण आपके पास रोड साहब? नहीं, अरे उनके लिए आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए भी कर देंगे, फिर दोनों व्यक्तिगत होकर लड़ते रहिए। ये होती है राजनीति, चर्चा करने आज जिसको आप कहते हैं हेल्दी डिस्कशन, राजनीति करने की बात कर रहे हैं, स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप लोग करेंगे? बोलने दीजिए, एक मिनट हो गया, रोड साहब हो गया, विदु रावल सुरेश रोड विदु रावल बोलिए। मैं गुस्से से भर गया था मेरे को कई राजनीतिक लोगों ने बताया। अरे भाई रोड साहब ऐसे नहीं होता है, आपने मेरे सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर उनके मुंह बोल रहे हैं। ये प्रवक्ता बनके लोगों की पैरवी करता झूठी और उनसे फायदा उठाता है। अच्छा, तो लोगों का ये कहता है कि मैं प्रवक्ता बनके कौन किसकी पैरवी करता है, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि आप भी प्रवक्ता है वो भी प्रवक्ता है। आप जरा बोलने दीजिए, हो गया रोड साहब बोलने दीजिए। हाँ
प्रशासनिक अधिकारियों की ईमानदार आदमियों की ये टीवी पर बैठ कर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? सुरेश रोड आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। अगर आपको विधू रावल से कोई दिक्कत है अलग से जाकर चर्चा कर लीजिएगा, और अगर कोई आपको आपत्ति है तो अलग से बात कर लीजिएगा, मेरी चर्चा में नहीं। हो गया सुरेश रोड, बहुत हो गया सर प्लीज। और प्रवक्ता बन के आप भी पैरवी करते होंगे किसी की, सारे प्रवक्ताओं की हालत जानते हैं, और ये राजनीति में होता है, लोग पैरवी करते हैं, अपने लोगों के लिए पैरवी करनी भी चाहिए। अब बोलने दीजिए उनको। विधू रावल जल्दी से अपनी बात पूरी करें। सुरेश रोड जी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं और जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं उस पार्टी को तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया था पार्टी का। मैं तीसरी बार कोशिश कर चुका हूँ। विधू रावल जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर बाकी मेहमान को आ जाऊं। अतुल जी ये इस देश का सत्य है, ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं इस देश के संसाधनों पर, इस देश की हर व्यवस्था पर। ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए अखबारों की बिजली काट दिया करते थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने बिजली काट दी थी और कहते थे अखबार में लिखने से पहले इंदिरा गांधी के ऑफिसर को दिखाओ फिर छापना अखबार। इस प्रकार से चलता था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय पेज खुला ओपन छोड़ दिया था, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया था इस प्रोटेस्ट में कि नहीं लिखना चाहते थे कांग्रेस। किशोर कुमार को कहते थे हमारे गाने गाओ, किशोर कुमार ने नहीं गाना गाया, एक साल तक उनको बैन कर दिया था। और ये दरबारी मीडिया नीरा राडिया की टेप्स नहीं देखी क्या? नीरा राडिया तय किया करती थी कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री कौन बने। राडिया टेप्स को देख लो, एक बार गूगल कर लो। वही सुरेश पिचोरी जो सबसे बड़े अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बनते थे वो जाकर मनमोहन सिंह के मीडिया सचिव बने थे। याद कर लें किस प्रकार से जिनके इतना इतिहास काला है वो आकर यहाँ पर प्रिंच करते हैं। और ये मैं मीडिया की सहनशीलता पर जो है बिल्कुल कहना चाहूंगा, इनको लॉन्ग रोप दी गई है, इनको इनफ ऑफ टेम्परिंग, इनको सबक सिखाना चाहिए। 2014 में अगर सोशल मीडिया ना होता और इतने सारे अलग अलग माध्यम ना होते जनता को एक्सप्रेस करने की सच्चाई को, तो शायद कांग्रेस कभी भी जो है बाहर ना जाती। अपने नरेंद्र मोदी का नकली प्रचार कर रहे थे फोन का फोन था वो रोड साहब हो सकता है आप भी जियो का फोन यूज करते होंगे। मैं जियो पे चर्चा नहीं कर रहा। अंबानी का फोन था वो, कांग्रेस सत्ता में ना अंबानी के प्रोजेक्ट वहां पर भी चल रहे हैं। क्या क्या मतलब किस तरीके की दकियानुसी और अतार्किक बातें आप कर रहे हैं? मतलब आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप बोल दीजिए कि हाँ भाई जवाब नहीं है। चैनल पे मुझ पर किसी प्रवक्ता पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर आपको क्या मिल रहा है? आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं? अभी मैं बीजेपी की किसी बात पर खिंचाई करूंगा तब तो आप कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन आज आपके पास जवाब नहीं है तो मैंने या किसी ने कुछ खा लिया या विधू रावल किसी की पैरवी करते हैं। राजनीति में आप भी बहुत लोगों की पैरवी करते होंगे और यह अधिकार है और यह जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई सहयोगी आपसे पैरवी करने के लिए कहे, आपसे मदद मांगे, तो लोग करते हैं, आप नहीं करते हैं? गजब का मजाक है। बहरहाल सुरेश पाठक जो इस वक्त बौखलाहट रोड साहब ने दिखाई है, मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई अनर्गल सवाल ना तो किसी ने पूछा, ना किसी प्रवक्ता ने कोई अनर्गल जवाब दिया। जिस दिन जो पार्टी इतने दिनों से दावा कर रही थी कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है, और सबने माना कि हाँ आप सक्षम है क्योंकि आपके पास फीस देकर पैसे देकर लोगों ने आवेदन किया है, फॉर्म खरीदा है तब आवेदन किया है आपके पास, तो उनकी स्क्रूटनी करना, उनका स्क्रीनिंग करना, उस पर चर्चा करना और फिर नाम तय करना, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। अब एक नई चर्चा कहां से हो गई? रोड साहब हो गया सर, रोड साहब भाषण मत दीजिए प्लीज। सुरेश पाठक हाँ, सुरेश पाठक हो गया क्या? ये आपको हमने बताया ना 2500 फॉर्म आए, आपको क्या पता था इस चीज का?
अरे आप ही लोगों ने तो बताया था ना, आप ही लोग तो ढिंडोरा पीट रहे थे 2500 फॉर्म आ गए। अरे पूरे देश ने बताया कि आपकी भूमिका क्या है। अरे अपनी भूमिका तय कर लीजिए, पहले अपनी भूमिका तय कर लीजिए और भाषण मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का या जेजेपी का इनेलो का मंच नहीं सजाया मैंने, क्या पाएंगे भाषण लेके चले जाएंगे। और अगर ऐसे ही भाषण देना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल ढींगरा से बोल देता हूँ कि आपकी जो प्रवक्ता है ना, मैं अभी केवल ढींगरा से बोल देता हूँ कि आपकी जो प्रवक्ता है ना, उनके पास जवाब नहीं होता है, कम से कम इनको सिखा कर भेजा करिए। हो गया सुरेश, हो गया, मेरे ऊपर जितना आरोप लगाना लगाते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बहरा सुरेश पाठक भाई ऑडियो डाउन कर दे। सुरेश पाठक जी आप बोलिए। उम्मीद रखते थे कि ये कोई खोजी पत्रकारिता। अरे भाई सिखाइए मत पत्रकारिता, अपनी 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 प्रवक्तागिरी सीख लीजिए, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। अपनी प्रवक्तागिरी सीख लीजिए, प्रवक्तागिरी सीखिए, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। आपके भरोसे कर नहीं बैठा मैं यहाँ पर कि पत्रकारिता आप सिखाएंगे या सर्टिफिकेट देंगे आप में से चारों लोग। हो गया भाषा, अरे बिल्कुल क्या सिखाएंगे, धमकी दे रहे हैं क्या सिखाएंगे। सरकार बनने के बाद मुझे सिखाएंगे क्या, सिखाएंगे बताइए क्या सिखाएंगे। बोलिए बोलिए रोड साहब क्या सिखाएंगे, अभी इसी खुले मन से चुनौती दे रहा हूं, बताइए क्या सिखाएंगे। सुरेश रोड अब आप ही बोलिए, बताइए क्या सिखाएंगे, धमकी देंगे मुझे? ये धमकी देने वाला अंदाज मुझे मत दिखाइएगा। प्रवक्तागिरी सीख लीजिए, अगर जवाब नहीं होता है तो कम से कम शब्दों के माध्यम से इधर से उधर घुमा सकते हैं, अतार्किक बात मत करिए। और धमकी तो तुम्हारा मुझे दीजिएगा मत, मैं अभी बता रहा हूँ, धमकी दोबारा मुझे मत दीजिएगा, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा मैं और ना डरूंगा मैं। ये धमकी मुझे मत दीजिएगा सुरेश, आप जैसे धमकाने वाले हजारों देखे मैंने, ये धमकी मुझे मत दीजिएगा ना, ये धमकी मुझे मत दीजिएगा प्लीज, ये धमकी मुझे मत दीजिएगा, किसी काम की नहीं आएगी। आपको अभी यहाँ से जाने के बाद हो सकता है कि खुशी मिल जाए कि मैंने धमका दिया, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको खुशी मिल रही है मुझे धमकी देने में तो मैं कहता हूँ दो बार और धमकी दीजिए, जितना धमकी देना उतना दीजिए, भाषण मत दीजिए, इनको आउट करिए।